बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Alright, Khatri Nizad, welcome to Bola Entertainment, Pakistan's number one entertainment channel, and this is Kata Kat Show, Pakistan's number one entertainment show, and you are Pakistan's number one audience. ये हमारे साथ पाकिस्तान के नंबर वन गेस्ट हैं। आज जिनका हम कटाकट बनाएंगे वो पाकिस्तान का नंबर वन कटाकट बनेगा। हम सब नंबर वन हैं क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह शहर सुर्खी इस वक्त यही चल रही है कि बोल इस वक्त टीआरपीज में सबसे आगे है और बोल नंबर वन हो चुका है। और पहले तो लोग छुपाते थे इस बात को, लेकिन कहते ना कि सच्चाई कब तक छुपती है, इन दी एंड सच्चाई सामने आती है और लोगों तक आज ये बात और ये मैसेज पहुँच चुका है कि हम नंबर वन हैं। खैर, नंबर वन तक टीआरपीज को पहुँचाने का बहुत शुक्रिया, कटाकट की टीआरपीज को भी ऊंचा ले जाने का बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आज का ये जो शो हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एक बात मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप तक पहुँचे कि जो हमारे बहन भाई इस वक्त मुसीबत में है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, हम लोग एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल से एक्चुअली गुजर रहे हैं, जहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग मर चुके हैं, अपने बच्चे अपने रिश्तेदार खो चुके हैं। प्लीज़ आप लोगों से अपील है कि जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, जो आपको लगता हो कि यार ये मैं इसको दूंगा तो ये उस मुस्तहक तक पहुंचेगा, तो प्लीज़ डोनेशन दें। चाहे आप 10 रुपये अफोर्ड कर सकते हो, अपनी अपने जेब से 10 रुपये वो दे दें, ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें कि 1000 रुपये होंगे तो मैं डोनेट करूंगा, 10 रुपये भी हैं तो प्लीज़ आप डोनेट करें, क्योंकि इस वक्त वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा समंदर बनता है, तो प्लीज़ आप लोगों से अपील है। और ख़ास तौर पे इस वक्त मेरी अपील हुकूमत के बहुत बड़े बड़े लोगों से है, वो ये कि आप लोगों के कैंप्स तो लग रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ये जानूं और मैं ये सुनूं, मेरे कान तक ये आवाज़ पहुंचे कि फलाने पॉलिटिशियन ने अपने बैंक से अपनी जेब से इतना पैसा डोनेट किया है। आवाम के टैक्स से ही चीज़ों को डोनेशन में आप लोग अगर पहुँचा रहे हैं, तो आवाम तो हमेशा, चाहे वो जलजला हो चाहे वो इससे पहले के सैलाब हों, आवाम तो आवाम के साथ खड़ी होती है, क्योंकि इंसान ही इंसान के लिए बना है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी आवाम और एक दूसरे के लिए एक साथ मुसीबत के मौके पे एक साथ हो जाते हैं ना, इस बार भी हम सब साथ हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि कभी तो ऐसा हो कि पॉलिटिशियंस और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपनी जेब से भी कुछ निकालें और डोनेट करें, ये हमारी ख्वाहिश है। खैर, ख्वाहिशें हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो तो एकदम बम निकले। वी हैव महानूर एंड अक्सा विद अस। अक्सा और महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप दोनों आए, और आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है और बहुत खुशी हुई आपसे फिर से मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत 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 अच्छा लग रहा है, आपसे पहली मुलाकात है, तो सबसे पहले आपको वेलकम। आप कटाकट में आई, कटाकट के बारे में सुना था, पता है? बिल्कुल सुना था, देखा भी था। देखा भी था, पता है ना इसमें क्या चेंज थे? इसमें बिल्कुल चेंज था। क्या था उसमें? उसमें आप थोड़े बड़े बड़े लग रहे थे। हाँ, ये मुझे हर कोई कहता है कि यार, और रियल लाइफ में आप छोटे मोटे थे, टीवी में आप बड़े बड़े लगते हो। आई थी इसीलिए मैंने हील वील भी पहन ली थी। हाँ, लेकिन मैं मजा आ जाएगा, मासूम सा हूँ मैं, छोटा, मैं टीवी पे बड़ा आता हूँ, आवाज मेरी बहुत बड़ों वाली है, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं वो दिल की तो बच्चा है, तो मैं एक्चुअली बच्चा ही हूँ, छोटा सा, बस यही चाहिए, बच्चा ही चाहिए, बच्चा ही चाहिए। आपको बच्चा चाहिए? इनकी पहली ख्वाहिश हमारे सामने आती है, इनको बच्चा चाहिए, दिल बच्चा चाहिए। अच्छा, दिल बच्चा चाहिए, ओके ओके। तो क्या करती हो, कब से कर रही हो, और ये क्यों कर रही हो ऐसा? अच्छा, क्यों कर रही हूँ उसका जवाब बाद में देते हैं, क्या कर रही हूँ उसका पहले देते हैं, प्लीज। ठीक है, आप दें प्लीज। मैं दे रही हूँ। अच्छा, मैं अभी जो कर रही हूँ, मैं अभी दुबई में होती हूँ और वेकेशन पर आई हुई हूँ, और जो कर रही थी O2 के साथ काम कर रही थी, प्रोडक्शन हाउस, तो वो मैंने कोविड के टाइम पे लेफ्ट कर दिया था, कोविड में सब बंद था, तो फिर मैं दुबई चली गई थी, और अब दुबई से वापस आई हूँ, तो बस आपके तो पास सब बंद था, तो आप दुबई कैसे चली गई थी? कैसे चली गई थी, बस जैसी फर्स्ट फ्लाइट हुई तो मैंने वजह क्या, दुबई में मतलब दुबई बेस्ड हो या आप? या एक्चुअली माय फैमिली, यहाँ से मुझे यकीन हो जाएगा कि आप दुबई बेस्ड हो। ओके, उधर दो ही बात सब कही जाती है, या जो है वो बहुत जरूरी है, बंदे को यकीन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बस वहाँ या ही बोलना होता है, बाकी बंदा खुद समझे, अभी भी और माफी। तो बस अब दुबई में ही सेटल है, फैमिली दुबई में होती है, सिस्टर दुबई में होती है, पूरी फैमिली, तो बस कराची से थोड़ा दिल भर गया था। दिल भर गया था क्यों? बस धोखे मिल गए थे। अच्छा, आपका कोई ब्रेकअप हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है लड़के से ब्रेकअप हो, लड़की से भी ब्रेकअप हो सकता है।
अच्छा दो बातें हो गई, इनको बच्चा भी चाहिए और लड़की से बात करनी हो गया। बहुत सारे लोगों से दिल टूटा है। बहुत सारे लोगों क्या किया किसी ने आपके, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो दिल टूटा? लॉयल नहीं रहते ना लोग, दोस्ती करने के बाद आपको 100% नहीं देते। अच्छा वैसे मुझे आपकी आंखों, मैं कभी कभी ना मैं आंखें भी पढ़ता हूं। ओके प्लीज, आपकी आंखों से मुझे लग रहा है आप बहुत इमोशनल हो। इमोशनल भी और केयरिंग भी, जो आपके साथ है ना, केयरिंग होता है वही इमोशनल होता है। नहीं नहीं, ऐसे भी होते हैं कि लोग केयरिंग ड्रामा होता है और इमोशनल उनका बिल्कुल लेस हुआ हुआ होता है, ऐसे भी हैं। आप बहुत बड़ी दुनिया है, और दुबई में जाने के बाद तो पता चलता है कि आप बहुत बड़ी दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ ड्रामे ज्यादा चल रहे होते हैं। अच्छा, तो इसलिए तो आप मतलब दुखी हो रहे हो, जख्मी हो? नहीं यार जख्मी जख्मी नहीं नहीं, मैं सिर्फ फतेह अली खान वगैरह नहीं सुनती, बस मैं सुनती हूँ नेहा कक्कर। ओके, ये वाली फील है आपको? ये वाली फील है। हाँ, अच्छी फील है। इमोशनल होकर भी डिस्को होना। अच्छा, मेकअप करके ब्रेकअप कर दिया? हाँ जी। चलो खैर, मानू तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरा बस लास्ट सेमेस्टर आ गया। ये क्या था? इसके बाद मेरी जान छूटेगी। मेरा बस लास्ट सेमेस्टर, हाथ यूं करके तुमने, इसके बाद मेरी जान छूटेगी लिटरली। मतलब इतनी तंग आई हुई हो तुम? नहीं, टीचर्स जो है ना बहुत ज्यादा सियासत करते हैं, बहुत ज्यादा। ये एक अलग टॉपिक है। और अभी हम कुछ एड्स देखेंगे इंटरनेट पे, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों के आपने कटाकट बनाने के लिए, कितने जालिम और कितने क्या बोलूं कैसे लोग हैं ना आप लोग, अपने रिश्तेदारों को तंग करने के लिए मुझे बोलते हैं ताकि वो मुझे बदतमीजी करें, गालियां दें और आप खुश हो वहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुस्कुराहट अगर कीमती असासा बन जाए दुनिया के, तो मुस्कुराहट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, तो फिर मैं ये भी सह लूँगा और ये दुख भी सह लूँगा। इसके साथ ही आज की पहली कॉल करते हैं। अच्छा, पहली कॉल जो है मेरा ख्याल है कि हमें करनी चाहिए किसी सिंगर को, सही है? ठीक है, उसको बुक करते हैं। और आप दोनों मेरी बेटियाँ हो? ठीक है। नहीं, आप मेरी बीवी बन जाओ। सही है, ठीक है। हम अपनी बेटी की शादी में चाह रहे हैं कि सिंगर आए। ठीक है, ओके, लेट्स सी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, माज बात कर रहे हैं? जी जी, माज बोल रहा हूँ। जी माज, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं भाई? माज सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका, आप सिंगर हैं, आप गाते हैं? जी जी सर, एग्जैक्टली सर। अच्छा अच्छा, तो आप क्या गाते हैं मुझे थोड़ा सा बताएंगे? मुझे कुछ मालूम करना था। सर देखिए, वैसे तो सर अपनी चीज़ें मेरी अपलोडेड हैं, बहुत सारी ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स वगैरह गाए हुए हैं सर, मुख्तलिफ जनरास में गाए हुए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर अपना सेंड करें, मैं कुछ अपना पोर्टफोलियो आपको सेंड करता हूँ, उससे अंदाजा हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं बिल्कुल सुन लूँगा। मुझे ये बताएं आप फंक्शन वगैरह करते हैं? जी सर बिल्कुल करता हूँ। फंक्शन करते हैं, तो मैं असल में जो आपको कॉल करने का मकसद है वो ये है कि मुझे ना मेरी बेटी की शादी है, तो उसकी मेहंदी के लिए मुझे किसी ने बोला कि भाई आपको अगर करना है ना कोई अरेंजमेंट, तो माँ से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। अरे सर शर्मिंदा कर रहे हैं। आप गजल गाते हैं? जी सर गजलें गाता हूँ सर, पुराने गाने, समझे कि मेरा अपना जेनरा भी है सर, और बाकी सर अपनी चीजें जो है सर माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला का करम है भाई आप पे। तो कोई गज़ल सुना देंगे, दो लाइनें? असल में मेरी बेगम भी साथ ही हैं, हमने अच्छा स्पीकर पे आपको सुन रहे हैं इस वक्त, आपकी आवाज़ वो भी सुन रही है। चलें सर, ओके ओके, दो लाइनें अगर आप सुना दें अच्छी सी। श्योर सर श्योर, अभी खत्म पेश कर रहा हूँ आपकी। जी जी सुनाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाना। क्या बात है भाई क्या बात है, बहुत आप मुझे वो सुना देंगे, वो जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, अगर वो सुना दें दो लाइन। जी 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 शोर शोर शोर, प्लीज सुनाए दें। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूं। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात है, क्या तो सभी क्या बात है क्या बात है। अच्छा वो अब मैं आपको सच बताऊं माज साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना तो दिल नहीं चाह रहा फोन की लाइन काटूं। अरे सर थैंक यू, यकीन माने
आप लाइव तो गाएंगे, अब आपके साथ वो हारमोनियम और वो तबला प्लेयर, ये सब म्यूजिक सिस्टम सारा? जी सर, छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा सर होता है मेरे साथ आमतौर से, सब होते हैं। एक कीबोर्ड वाले होते हैं सर, एक गिटार वाले भाई होते हैं सर, और एक तबले वाले भाई होता है। अब मुझे ये बता दें कि ये है मेहंदी का फंक्शन है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपको बुक कर लूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि पैसों का क्या हो जाएगा, क्या चार्जेस होंगे लाइव परफॉर्मेंस के? दो घंटे सर, कि सिर्फ जी सर आपके सामने सिर्फ एक सिंगर हो या किसी और सिंगर को भी? आपके अलावा किसी को, आपको सुनने के बाद तो दिल ही नहीं चाहेगा किसी और को सुने, सिर्फ आप? नहीं नहीं, शर्मिंदा कर रहे हैं सर, शर्मिंदा कर रहे हैं सर। मैं इंशाल्लाह जी, आप अगर व्हाट्सएप पे मेरे साथ आ जाते हैं तो मुझे ज़रा इजी हो जाएगा मेरे लिए। पैसों की बात हम व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, ठीक है? और बाकी डेट वगैरह मैं आपको बता दूं अगर अभी तो, आप अवेलेबल हों? जी सर, कौन सी डेट पे इंशाल्लाह मुझे आप चाह रहे हैं सर? अभी है ये 14 साल की है ना ये, अभी तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये 2032 4 जनवरी। ओके सर, 2000 ओके सर, 4 जनवरी सर, 4 जनवरी ओके सर, 4 जनवरी ठीक है सर, ठीक है सर, हो जाएगा 4 जनवरी। तो आप ठीक है सर, इसको लॉक कर लें फिर? ठीक है सर, ठीक है, मैं लॉक कर लूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं। सही है, तो व्हाट्सएप पे मैं फिर आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है सर, अर्जेंट जल्दी का काम देखे होता है शैतान का। जी जी, बहुत आप मतलब वाकई आप एक बाजौक शख्सियत के मालिक हैं, मुझे अंदाजा हुआ इस बात का कि जिस तरह डेट्स आपने मुझे बताई आगे की। अरे भाई यार, यार 2032 भाई है यार। मुझे मजा इस बात का है, वाला खेलगा आवाज यार, माशाल्लाह ऐसी बनाई यार, वाकई यार एक मिमिक भी खतरनाक हुआ सिंगर के साथ, वॉइस ओवर के साथ। अरे मैं समझा कोई बड़े मियां है कोई, भाई सीरियस था वो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पता है मुझसे बर्दाश्त क्या नहीं हुआ? जो तुमने बर्दाश्त किया हुआ था ना, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम कैसी बर्दाश्त के साथ पैदा हुए हो भाई? तुमने कहा मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। अच्छा 2032 में पॉज जो हुआ था ना तुम्हारा, मैं यही सोच रहा हूँ यार, इतनी आगे है भाई, खुश रहे यार। मास एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सिंगर है, जिसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां पे भी जाएं, और ये कमाल कमाल के सिंगर है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, फसल से नहीं बोल रहा हूँ यार, ये 2032 का प्रोग्राम है, और ये मैं यार कमाल कर दिया जैन साहब, खुश रहे भाई, वाह वाह वाह, मजाक हो तो ऐसा हो, है ना? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे, और आप इसी तरह सुरीला हमेशा गाते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश है, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब जो हम कॉल कर रहे हैं, ये कॉल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त पूरे मुल्क का, ये एक अहम टॉपिक है, बिजली का बिल। अब बहुत सारे लोगों के फ्यूल चार्जेस लग के आए हैं, तो यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट होके आई है, पता नहीं क्या क्या, यानी कि जिन लोगों के घर का 10,000 बिल आता था, उन लोगों के घर का 36,000 बिल आया, जिन लोगों के घर का 36,000 बिल आता था, उन लोगों के घर का 60,000 रुपये बिल आया, यानी कि डबल डबल लोगों के बिल आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स और फलाना टैक्स और ढमकाना टैक्स। तो इससे मैं खुद बहुत परेशान हूँ, और मुझे लगता है कि आप सब और पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान जो है परेशान है। तो आज इस परेशानी में किसी एक शख्स को हम लोग छेड़ेंगे, और वो ये छेड़ेंगी, तो आज मैं ये मौका आपको दे रहा हूँ, आपने इस बंदे से बात करनी है, इलेक्ट्रिक की आप नुमाइंदे हैं, आपने कहना है कि ये एक फीडबैक कॉल है, ठीक है? और फीडबैक कॉल में आप पहले तो उनसे मालूम करेंगे बिल कितना आया, ब्लाइट तो नहीं जाती, इस तरह की पूरी प्रॉपर डिटेल में बात करो। नंबर एक हमारे पास आ चुका है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, दिस इज मानूर खान हियर, मैं इलेक्ट्रिक से बात कर रही हूँ। जी जी,
असल में मैंने आपका फीडबैक लेने के लिए कॉल करी है आपको। किस हवाले से? बिल के हवाले से कि आपका बिल कितना आता है, उसका मुझे फीडबैक चाहिए था। बिल को बहुत आ रहा है, बिल को ये फ्यूल चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस इन्होंने लगा दिए। जी जी, यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट चार्जेस लगा दिए हैं, फ्यूल चार्जेस लगा दिए हैं। तो मैंने आपका ना फीडबैक लेने के लिए कॉल करी क्योंकि आजकल हम अपने कस्टमर्स से ना फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक मतलब क्या? मतलब फीडबैक आप फीडबैक इस तरीके से दें, अराउंड कितना आपका बिल आता है मुझे वो बताएं। भाई जितना मेरा यूज है उससे 50-60 गुना ज्यादा बिल आ रहा है मेरा। ठीक है, 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है। मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ कि कितना आ रहा है एग्जैक्ट, आप मुझे बता दें अराउंड इस करीब तक मेरा बिल आ रहा है। देखिए मेरा जो यूज है ना वो इतना नहीं है। ठीक है, बिल ज्यादा आ रहा है, अब आप बताइए। अच्छा अच्छा, एसी है आपके घर में? जी जी, एसी भी है। अच्छा, और आप लोग अफराद भी है, अफराद कितने भी है घर में? अफराद कितने आप लोग? अफराद बहुत सारे हैं। तो फिर तो बिल आएगा ही नहीं, जब लोग ज्यादा हैं तो यूजेज तो ज्यादा होगा। पहले आप मुझे बताएं आपका बिल कितना आता है, क्योंकि इसमें अभी कुछ और जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ ना, तो फिर वो मुझे कुछ बताना है बिल के हवाले से आपको, तो मुझे बता देंगे आप प्लीज? देखिए पिछले महीने को आया है 25,000 रुपए। ओए होए, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं है अभी। अच्छा, आपके बच्चे नहीं है, मतलब आप लोग ऑफिस जाता है कोई? मैं तो घर पे काम करता हूँ। अच्छा, जब अच्छा आप घर पे काम करते हैं, अच्छा किस चीज का काम करते हैं? मेरा प्रेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, अगर आप घर से काम करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी तो यूज होती होगी फिर ज्यादा? नहीं, वो मेरे देखें घर का बिल अलग है, ऑफिस का बिल अलग है मेरे। तो आपका घर और ऑफिस एक ही हुआ ना, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं? मतलब घर के साथ ही मैंने ऑफिस बनाया हुआ ना अपना। सही सही सही, आपके बच्चे कितने? अरे आपको मेरे बच्चों से क्या लेना, मेरे बच्चे को बिजली से चलते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग घर में अफराद कितने हैं टोटल? मतलब मैं तो सेल डालता हूँ, क्या करता हूँ, बैटरी से चलाता हूँ बच्चों को क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा भाई मेरे बच्चे नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे नहीं है, लेकिन आपने बोला बहुत सारे अफराद है मेरे घर में, तो आप मुझे बताएं ना कितने अफराद हैं आपके घर में, क्योंकि सभी फिर हमारा पूरा खानदान है, ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारे अफराद हैं। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली है और आपको आ रहे हैं? हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके नेक्स्ट बिल जो आएगा अब, उसमें कुछ चार्जेस वगैरह ऐड होंगे, और उसमें ये है कि एक तो आपका फूड एडजस्टमेंट टैक्स होगा, उसके अलावा अभी जो फ्लूड वगैरह हुआ है उस हिसाब से अब डैम का फंड वगैरह के भी चार्जेस अप्लाई होंगे आपके बिल के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, आप क्या चाह रही हैं, कितने रुपए लगवाएंगी हमारे ऊपर? 10 रुपए ऐड होंगे पर यूनिट। यार 10 रुपए तो बहुत कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्या मैंने आपको बताया हमारा पूरा खानदान है भाई? जी भाई। ठीक है, ओके ओके। क्या आगे बात करें? अच्छा, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं, अगले मंथ आपके बिल में एडिशन होके आएंगे, टैक्सेस वगैरह बहुत सारे लग के आएंगे, तो मैंने ये इन्फॉर्म करना आपको जरूरी समझा। ठीक है, कितने पैसे? बस ऐड होके आएंगे, आपको देने पड़ेंगे, और जब भी आप बिल भरवाने जाएं तो मुंह पे स्माइल लेके जाइएगा, ठीक है? क्योंकि कैमरास वगैरह लगे हुए होते हैं ना वहाँ पे, तो आप स्माइल रखिएगा अपने मुंह पे चाहे जितना भी बिल आ जाए। ठीक है सर? नहीं नहीं, मैं तो भंगड़े डालता हुआ जाऊंगा। सही है, ये तो बेहतरीन हो गया। ठीक है, बेहतरीन हो गया। ओके सर, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। काट दी मैं, खून पी गया था ये। अच्छा वो खेल रहा था, पता है उसको पता था इलेक्ट्रिसिटी कॉल नहीं है, कोई लड़की तंग कर रही है। खैर इस वक्त वक्त हो चुका है हमारे कमर्शियल ब्रेक का, हम लोग जाएंगे एक छोटे से तशरीफी वक्फे की जाने, फिर वापस आएंगे, इस महफिल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो, वी हैव महानूर एंड नॉट आरजू, अक्सा विद अस, साथ दीजिए कि वापस आते हैं। चलेगा, तपेगा, बनेगा तेरा कटाकट, कटाकट, बनेगा तेरा कटाकट।
ऑलराइट होती हूं हजरत, वेलकम बैक वंस अगेन एंड सीरियसली थैंक यू वेरी मच। यानी कि हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने अभी तक ट्यून इन करके रखा और उन्होंने को वो था इंतजार था कि कब आरजू नहीं अक्सा और मानूर को वापस देखेंगे, इनसे दोबारा बात करेंगे। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, आप लोगों की कॉल की तरफ भी बढ़ना है, मुझे कुछ ही देर में बढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद कॉल की तरफ बढ़ूँ कुछ सवाल करते हैं। कोई ऐसी जिंदगी में कोई चीज़ है जो तुम मजबूरी में कर रही हो या मजबूरी में की हो? शादी मजबूरी में करनी पड़ेगी। शादी मजबूरी में करनी पड़ी या पड़ेगी ना? करनी पड़ेगी। क्यों? शादी का दिल नहीं चाहता तुम्हारा? क्यों भाई? आपका चाहता है? मेरा तो माशाल्लाह ऑलरेडी दो बच्चे हैं मेरे। नहीं मुझे चाहता है क्या? मुझे चाहता था, इतना चाहता था कर ली। वैसे तो और भी चाहता होगा ना। क्या शादी का दिल किसका? मेरा जी। नहीं नहीं एक ही बहुत थी भाई। अच्छा एक्सपीरियंस है या बुरा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके बाद दोबारा नहीं करनी। ओके एक ही कर लो बस, बहुत है। ओके आप बताएं, मजबूरी में कोई काम कर रही हो यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर के अलावा? नहीं मजबूरी में तो मैं कोई काम नहीं कर रही, जो मेरा दिल करता है मैं वही करती हूँ। फिर भी कोई का चीज, किसी की प्रमोशन करनी हो, किसी की स्टोरी लगानी हो मजबूरी में? कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका काम मैं बहुत मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि बस फेस दे दिया, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराने क्लाइंट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए उनका काम करना। हालांकि वो मुझे पता है बहुत प्रेशर डाल रहे होते हैं, ये भी कर दो वो भी कर दो, अब पुराने होते हैं बंदा बोल नहीं पाता थोड़ा, इखलाकन मेरा इखलाक भी ऐसा है, तो फिर मैं ये एक चीज है, वरना सारी चीजें मैं बहुत शौक से कर रही हूँ। मजबूरी में बस ये क्लाइंट्स के झमेले हैं, ये मजबूरी में करती हूं बस। ओके कोई ऐसी चीज जिससे डर लगता है? किससे? बारिश से, रात वाली बारिश। बारिश से? हाँ। लड़कियां तो बारिश में बरसो रे मेरा लड़कियां का तो मैंने ये देखा है, वो टिकटॉक बनाती हैं। बिल्कुल वो तो सिर्फ टिकटॉक तक का काम है ना, लेकिन जो अंदर से डर आ रहा होता है वो होता है। डर लगता है बारिश? हाँ बिल्कुल लगता है, सीरियसली। ओके तुम्हें किसी से डर लगता है? तो कोई याद आता होगा इसलिए डरती होगी? अरे नहीं भाई बारिश में कुछ लोग ऐसे सेंटीमेंटल होते हैं। नहीं वो तो डर इन अ सेंस मुझे बस उससे लगता है, बिल्लियों से। क्या? हाँ। बिल्ली से डर? हाँ मतलब थोड़ी वो होती है ना जंगली, थोड़ी बाहर की, तो उनसे, घर में रखा हुआ था उससे मुझे नहीं लगता था, लेकिन मैंने जो अब देखा कि मैं एकदम से डर जाती हूँ, तो वो एक ये चीज है, वरना मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा वैसे किसी से नहीं डरती? किसी से नहीं डरती, किसी के बाप से नहीं डरती। हाँ मेरे अब्बा ही काफी है। अच्छा एक कहावत है, हरकत में बरकत है। हाँ तुमने कोई ऐसी हरकत की है जिसमें बरकत हो गई? हाँ बिल्कुल, ऐसी हरकत है कि लोगों से मिलना शुरू किया तो वो बरकत हो गई, लोग बहुत जमा हो गए। अच्छा लोग जमा हो गए, कहाँ जमा हो गए? क्या बस सर्कल बहुत बड़ा होता चला गया। लड़कियों से तो वैसे ही, लड़कियों के सर्कल तो अभी यहाँ पे बात करो, ये तुम्हारे दोस्त होंगे सारे एक सेकंड लगेगा। हाँ बिल्कुल लड़कियों के, ये तो एक है ना साइंस है। नहीं ऐसा भी नहीं है ना, लड़कियां भी थोड़ी नहीं होती कि इतनी जल्दी फ्रैंक होती है। मैं दोस्ती की तो हाँ, मैं दोस्ती करती हूँ तो बहुत ज्यादा सर्कल बनता जाता है, लाइक एक से बात करी, उसके दोस्तों से बात हो गई, खानदान में बात हो गई, वो वाली बरकत ज्यादा है मेरे पास। अच्छा कोई हरकत में बरकत बताओ मेरी? अच्छा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने पहले जो है ना अपने क्लाइंट्स जब मेरे आए, तो एक हरकत ये हुई कि मेरी बरकत इस तरीके से हुई कि मेरी रोजी लग गई क्योंकि जब काम क्या करती हूँ लोगों को ये बता दो प्लीज, लोगों को बता होना चाहिए। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, बेसिकली मैं बहुत सारे ब्रांड्स मैनेज करती हूँ, पीआर मैनेजर हूँ डिफरेंट ब्रांड्स की, और इसके अलावा मेरे शूट्स वगैरह भी चलते रहते हैं, मॉडलिंग वगैरह, और आगे जो है मैं एक्टिंग में आने लगी हूँ बस, और आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा आप लोग मेरी इन्वॉल्व हो जाए इस चीज में, तो फैंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फैंस हैं तो इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, कोई भी इंसान के फैंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली मेरा अभी पीआर का काम है, तो मैंने शुरू में क्लाइंट्स के लिए ऐसी हरकत में बरकत वाला काम किया, और मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि कुछ करना पड़ेगा और फिर हो गई बरकत। क्या बात है, ये देखें ये अच्छी बात है, लोगों ने अपने अपने बिजनेस खड़े किए हैं लड़कियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने। इसके साथ ही हम लोग जाएंगे अगली कॉल की तरफ, कॉल का टाइम हो चुका है। हेलो वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, कौन? मैं आरजू बात कर रही हूँ, और आपका नाम अकबर है? जी मेरा नाम अकबर है, फरमाएं। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जी कर तो रही हैं। बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन आपका टाइम इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा टाइम दे दें। जी जी टाइम है, बोले। थैंक यू। अकबर आप क्या करते हैं? थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन डायरेक्ट? नहीं मुझे पर्सनल नहीं है, किसी काम के हवाले से पूछ रही हूँ, जाहिर सी बात है। अच्छा मैं जो हूँ बाय प्रोफेशन तो लेक्चरर हूँ और होस्ट भी हूँ यूथ पार्लियामेंट।
यूथ पार्लियामेंट से। ठीक है, तो मैं कुछ जानना चाह रही थी यूथ पार्लियामेंट के हवाले से। पूछना, बता दूंगा आपको। अच्छा, तो आप लोग की ये जो यूथ पार्लियामेंट है, बेसिकली क्या काम कर रहे हैं आप लोग कराची के हवाले से? कराची के हवाले से तो उसमें कोई काम नहीं होता, ये यूथ को प्रमोट करता है, मतलब डिबेट प्रोग्राम हो गए, मैनेजमेंट हो गया, इवेंट प्लानिंग हो गई, ये सारी चीजें करवाई जाती है उसमें। बेसिकली जी, बेसिकली जिस तरह भी फ्लड विक्टिम का काम है वो भी कर रहे हैं मिलके, मतलब अलग अलग बहुत सारी टीमें। अच्छा ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मुझे एक होस्ट चाहिए अपना इवेंट के लिए, जिसका टॉपिक ये होगा कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो आप बताएं कैसे मेरा शो कवर करेंगे। अच्छा, ये मतलब इवेंट है, ये किस किस्म का चीप इवेंट है आप लोगों का? टॉपिक तो देखिए अपना। देखिए, ऐसे इवेंट्स तो होते रहते हैं ना, तो हर तरह के ऐसे नहीं होते जिस तरह आपने बताया, दिस इज नॉट कॉल्ड इवेंट। ओके, तो हम आप बताएं, आई डोंट थिंक सो अबाउट इट। ओके ठीक है, तो आप बताएं फिर क्या इवेंट करना चाहिए, मैं थोड़ा आप मुझे गाइड करें। नहीं, मैं ये तो किसी को भी नहीं बता सकता कि इवेंट क्या होना चाहिए। मेरा तो लाइक टॉपिक ही यही था ना, और इवेंट मतलब मुझे इसी पे बात करनी थी, कुछ मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे इसी बारे में बात करनी। क्या प्रोफेशन क्या है और किस से बिलोंग करते हैं आपके गेस्ट? वो सब आपको डिटेल मेरी मैनेजर देगी ना। हाँ, तो फिर आप मैनेजर से बात करें। ठीक है, आप मेरी मैनेजर से बात करें। ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना, इन्होंने असल में इवेंट करवाना है कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये टॉपिक है इनका ना, तो आप इसमें एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उनको इतना ज़्यादा दुख क्यों है, कर लेंगे। जी, मैं इसी टॉपिक पे आ रही थी, हो सकता है उनके साथ पास में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो ये टॉपिक पे करना चाह रही हैं। जी, तो इवेंट क्यों करवाना है, ये कोई टॉपिक तो नहीं इवेंट का। असल में वो अपने गेस्ट और अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रही हैं कि किसी को शादी नहीं करनी चाहिए, तभी वो डिबेटर ढूंढ रही थी। ठीक है, आप मुझे बता दें, आप होस्ट कर लें और आप हमें डिबेटर्स ला दें जो इस पे कर, क्योंकि डिबेटर का काम होता है डिबेट करना। टॉपिक तो आपको कोई भी मिल सकता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, तो हम आपको पे करेंगे, आपका बजट सेट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, हर चीज़ प्रोवाइड होगी आपको। सो आप मुझे बता दें, इंटरेस्टेड हैं तो? जी बिल्कुल, इंटरेस्टेड हूँ, बोलें। इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो मुझे आप अपना बजट वगैरह बताएं कि कितने डिबेटर्स आप लाएंगे, हमें कितने डिबेटर्स की नीड है, तो ये सारा डिस्कशन करके बजट लॉक करके आपको लॉक कर देते हैं। ठीक है, आपको कितने डिबेटर्स चाहिए टोटल? एटलीस्ट जो है 4 से 5 तो हों, और होस्ट आप होने चाहिए। जी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप मुझे बजट बताएं कि इतने डिबेटर्स का, और आपका टोटल बता दीजिएगा राउंड ऑफ करके। तो बेसिकली इवेंट कहाँ होगा, वेन्यू क्या है, सारी चीजें, आई डोंट नो अबाउट इट, तो मुझे पहले। ठीक है, DHA में होगा, डिफेंस में ही होगा, और ये तो अभी आपके साथ पहला काम है, इंशाल्लाह आगे और भी काम आते जाएंगे। तो मतलब डिबेटर्स आपको फुल हाई फाई वाले चाहिए या नॉर्मल? नहीं नहीं, हाई फाई वाले चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इवेंट ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को ये मजबूर कर दें कि अगला बंदा जो बैठा हुआ है वो शादी ना करे। ठीक है ठीक है, पर डिबेटर पे 10,000 लेंगे वो। सही है, और वो हाई फाई होंगे? जी जी, हाई फाई होंगे जब भी मैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आप हंसे क्यों? द टॉपिक इज टू वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो आप मुझे टोटल राउंड ऑफ करके बता दें, 1 लाख हो गया हमारा बजट? जी, या 90,000 अराउंड, अगर 5 डिबेटर्स हैं अराउंड ना, फाइव पे तो अराउंड हो जाएंगे। जी जी, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ये बाकी आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह हम एडवांस देंगे ना आपको, तो सारी चीजें ये नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लॉक कर लिया मैंने बजट और कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, हु इज दिस? अकबर बात कर रहा हूँ। हाय अकबर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम सुपर कूल। आई एम लॉकिंग, दे हैव लॉक्ड यू अराउंड 1 लाख रुपी, राइट? या सो कैन यू कम एंड यू नो जस्ट कलेक्ट योर एडवांस? शो ओके, आप दस्ती आ जाओ जरना गुलशन की साइड पे। अब उर्दू में आ गए आप, तो अब ओरिजिनल बात होगी ना, सही वाली, उससे हो नहीं रही थी उस वाले में मुझसे। अच्छा, इतने बनावटी फंस रहा था, ना, तो आप भी तो बनावटी पहले बन रहे थे, गलत टॉपिक है, फलाना टॉपिक है, फिर आपने डील भी कर ली।
क्योंकि जाहिर सी बात है टॉपिक तो देखिए अपना, तो फिर आप मुझे आप पता है कि आपका फालतू टाइम होता है कॉल मिला के डिस्टर्ब करने, तो फिर आपने डील क्यों की? आपने मुझे पता था क्या होने वाला है कि इसी तरह की कॉल आती है आजकल सबको, तो शायद मुझे आप, भी आपको आई थी इससे पहले? नहीं कभी नहीं आई, लेकिन नंबर था तो मैंने कहा चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा अभी आप पढ़ा रहे हो, जिनको पढ़ा रहे हो उनको तो पढ़ा लो सही, आप हमसे ही लग गए फोन पे, आप तो पढ़ा रहे हैं। नॉट योर मैटर ब्रो, दैट्स नॉट योर मैटर, दैट्स माय मैटर, आई एम सेइंग दैट दैट इज माय मैटर। ये कौन सा वाला मैटर है, लिक्विड सॉलिड और गैस वाला मैटर है? मुझे तो यही लग रहा है। देखो ये अपना इलाज करवा लें अच्छी तरीके से। यू हैव नीड सम डॉक्टर, यू हैव टू ईट मीट, प्लीज ईट मीट, देन आई विल टॉक टू यू एंड आई विल बी। स्पेलिंग कर लो पहले, नो स्पेलिंग कर लो, गूगल कर लो फिर बोल। गूगल, व्हाट इज गूगल? अबे बच्चों को पढ़ा ले, इधर ध्यान क्यों दे रहा है, बच्चों पे ध्यान देना। कॉल क्यों नहीं काट रहा? मेरी मर्जी ना काट, मैं भी गाने सुनाऊंगा यहाँ बैठ के, चलो हम चमचम खेलते हैं। अच्छा यार मेरी बात सुनो। हेलो, मैं यार तुम्हें ना इस वक्त ना शो से कॉल कर रहा था। अच्छा कौन से शो से? कटाकट शो से। ये कहाँ था भाई, फर्स्ट टाइम सुना मैंने। बोल बोल देखा कभी? या बोलो नन्हे बन जाओ, बोलो बोल भी नहीं देखा कभी तुम शो पे हो? रियली रियली? क्या रियली से मैं तुझे समझ लूं? बड़ी अच्छी बात की है। आप होस्ट है ना, जैन जैन तो नहीं आप? मैं जैन को लेके बैठे रहते, फजूल बातें करते रहते, वही है ना? वही हूँ मैं, वही हूँ। चलो यार आज तुमसे बात हो गई, बहुत खुशी हुई, और कभी इंशाल्लाह तुमसे मुलाकात भी होगी हमारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखना, और कोई बात माइंड नहीं करना है, हम तफरी कर रहे थे। हां नहीं नहीं नहीं, लेट इट बी, लेट इट बी। ओ माय गॉड, ओके, अल्लाह हाफिज, गेट आउट। यू टू, थैंक यू। लेकिन आपने ट्यूशन जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे यार, उन पे तो ध्यान देते हैं, कॉल ही नहीं काट रहे थे। चलो हम यहीं से चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस महफिल को, इस बैठक को, इस कचहरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ खूबसूरत सी अक्सा और प्यारी सी महानूर मौजूद हैं, वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे साथ ही जगह। हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों, जिन लोगों ने अभी अभी गलती से ट्यून इन कर लिया। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे, और ये एक सेगमेंट है जो हमारी तीन कॉल्स तो हो गई। अब हम लोग जो है एक मैं आप लोगों का गेम खेलूंगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक है, आपने फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है, ठीक है? मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त डैश करती रहूँ, नहाती रहूँ, नहाती रहो हर वक्त, माय फेवरेट थिंग। हाँ हर वक्त नहा, मेरी मम्मी तंग आ गई है। हाँ ये ज्यादा मतलब बात बहुत लेती। अच्छा बहुत ज्यादा ये शिकायत लगी थी इसको मेरी मम्मी बोल रही थी। गलत है, हाँ गलत है बहुत ज्यादा। मतलब तुम पानी का ज़िया करती हो? नहीं मुझे अच्छा लगता है बस, मुझे परफ्यूम्स नहीं पसंद हर वक्त जो है ना, परफ्यूम अच्छा, परफ्यूम नहीं पसंद। एलर्जी है कोई? एलर्जी भी नहीं है लेकिन पसंद नहीं है। मान ली है कि डैश ना किया तो फिर क्या जिया? डांस नहीं किया तो। अच्छा डांस करती हो? हाँ। हर बात पे, हर गाने पे? हर गाने पे, हर बात पे तो नहीं, हर गाने पे। हर गाने पे मतलब? हर बात पे तो नहीं, मतलब कोई भी बोले यार चल बगैर गाने के डांस करके। हाँ। तो आप कर सकती? हाँ, हो कर सकती। मतलब फिर हर बात पे हो गया? नहीं उसने डांस करने को कहा ना, म्यूजिक ना भी हो तो आप डांस कर सकती। क्या टैलेंटेड लड़की हमारे साथ बैठी हुई है। अच्छा शादी में डैश होना बहुत जरूरी है? दूल्हा हो सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छा आंसर है आपके लिए है। हम तो उड़ती चिड़िया के डैश गिन लेते हैं। गुड, डैश से मुझे नफरत है। एक शख्स से मुझे बहुत नफरत है। नाम बता दो। नाम नहीं बता सकती। क्यों? बस मुश्किल है? मुश्किल नहीं, पॉलिटिशियन है, बैठ के सियासत करती है बहुत ज्यादा। अच्छा लड़की है? लड़की है, जेलस होती है मुझसे। अच्छा टिकटॉकर है? टिकटॉकर नहीं, इंस्टाग्राम आम सी बंदी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अटेंशन सीकर है। ओके यूनिवर्सिटी की है? हाँ। ओके 22 से 26 के दरमियान का एज ब्रैकेट है जी। ओके गंदुमी रंग है? माहौल चेंज हो रहा है, कसौटी चेंज हो गया है। ओके आपकी बारी जी। ओवररेटेड एक्ट्रेसेस? नीलम मुनीर। नीलम मुनीर नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर उनको? करे रोल मगर दूसरी लड़कियों का हक ना मारे। अच्छा हक मारती हैं? मतलब अब न्यू फेसेस चाहिए पब्लिक को।
अच्छा चले अब हम आते हैं गानों की तरफ. एक गाना आपने सुनाना है, एक गाना आपने सुनाना है इसी आवाज में जो भी है. खैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. नहीं नहीं बहुत चूटी मर गई, चूटी मर गई, कुछ नहीं हुआ. मैं गा लूंगी कुछ भी. देखिए अगर गाना गाना मुश्किल है तो मैं मिमिक्री करवाऊंगा. ये कर सकते हो? कर सकते हो मिमिक्री? कर लेंगे. किसकी करते हैं? पॉलिटिशियन की. हां पॉलिटिशियन की. पहली दफा कोई लड़की किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री करेगी. ओके ठीक. इमरान खान. इमरान खान. इमरान खान फैन हूं वैसे मैं. हां ये नौजवान नस्ल है, हर बंदा इमरान खान है. हर नस्ल में से जो भी बंदा निकल रहा है. मैंने बोला था. क्या बोला था? मैंने आपको बोला था जब मेरा मेरी नस्ल, मेरे जितने भी ये नौजवान बच्चे हैं, ये 18 साल के होंगे तो आपको लग पता जाएगा ये मेरे वोटर हैं. मेरा वोटर छोटा था, मेरा वोटर अब जवान हो गया है. मेरा वोटर अब 18 साल का हो गया है. इतनी तारीख में ऐसे जलसे नहीं हुए जो मेरे होते हुए हुए हैं. और फिर बोलूंगा आपने घबराना नहीं है. क्या बात है, क्या बात है. रियल इमरान खान है. लग रहा था कि इमरान खान की मिमिक्री कर रही है उनकी अंदर से फीलिंग फील कर रही है. क्या बात है, उसकी फीलिंग ही अलग हो जाती है ना. दम है लड़की में, दम है. हमने सोचा है कि हम लोग ने एक इलेक्शन कर देना है. अच्छा तुम इसी यूनिवर्सिटी? फिर कहाँ पे कर देना है? कराची के लिए तो कुछ करेंगे ना. दुबई में रहती हो? मैंने वैसे सोचा है, मैं अगर ये चीजों में भी रही जो मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ. एक मेरा पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत. और आगे तुम पीटीआई को ज्वाइन करोगी? ज्वाइन करूंगी. क्या बात है, नौजवान नस्ल तैयार है पाकिस्तान को मजीद अच्छा करने के लिए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. यहीं से हम लोग जाएंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वी हैव अक्सा एंड वी हैव यस महानूर विद अस. साथ जगह वेलकम बैक वंस अगेन एंड सीरियसली थैंक यू वेरी मच. आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो अब तक बैठे हुए और अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि आउटडोर कटाकट में इस बार क्या आने वाला है, आमिर बाबा या उबैद लवली. इस बार उबैद लवली हमारे लिए एक प्रैंक लेके आए हैं. और प्रैंक क्या लेके आए, उन्होंने बता दिया कि मैं जगह पर मौजूद हूँ और मैं ये करने वाला हूँ. सो आइए हम मिल के देखते हैं कि आउटडोर कटाकट में आज क्या होने लगा है. तो मतलब क्या चाह रहे हैं, पहनना क्या चाह रहे हैं? मतलब कोट पैंट पहन लेंगे शादी में या शेरवानी? शेरवानी दिखा रहे हैं. अच्छा अच्छा, कोट में कर लें शादी? नहीं नहीं, कोट में कोई शादी करते. शेरवानी पहनता है इंसान के नीचे, धोती भी बांधता है, पजामा भी पहनता है. अपनी अपनी चॉइस है यार. आप मतलब आप देखें, आप देखें ये देखें, ये जो है ना असल में ये हैं सारी वैरायटी हमारे पास बहुत है, बेशुमार वैरायटी है. बेहतरीन काम आपको मिल जाएगा. ये शेरवानियाँ देखें, ये देखें यार. मैं मतलब अपनी आंखों से थोड़ी दिखाऊंगा, आप खुद देखें ना यार. आप ऐसे निकाले नहीं ना, आप मुझसे पहले पूछें. नहीं तो आप मुझसे पहले पूछें, असल में एक्सपेंसिव. आप मुझे पहले एक बजट बताएं अपना. सलाम अलैकुम भाई, बताओ मुझे. सलाम अलैकुम सर. आए सर, आए, वेलकम वेलकम. देखें सर, कस्टमर आए तो वो भी तो देखना चाह रहे ना उनको. आप भी देखें, आप भी देखें सर. हाँ जी, ये सही लगेगा सर, ये बेहतरीन लगेगा आपको. पर आप पे हर चीज जचेगी, यकीन करें. पे लगेगा ना सर? एक मिनट सर, ये तो आप पे जचेगा सर. ये आप पे जचेगा नहीं, ये आप पे जचेगा. आप दूसरा देखें, वो जचेगा. आप हमारे को ये बोले कि हम पे नहीं जचेगा यार. आप उनके कस्टमर हमारे, तो आप मेरे कस्टमरों से क्यों बहस कर रहे हैं यार? वो कैसे बोल रहे हैं? मेरे क्लाइंट जा रहे हैं यार. मेरे क्लाइंट ये बताएं, शक्ल पे क्यों जा रहे हो हमारी? सही है ना, शक्ल से तो इंसान की पहचान होती है. शख्सियत की पहचान किससे होती है? शक्ल से. ये आपके कौन है? ये मेरे कजन है. आप अगवानी लग रहे हो, वो लग नहीं रहे. अरे रोके इसको भाई. अपना उबैद भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो उबैद, नहीं कर वरना कुटने वाले काम है ये. ना आपके लिए अच्छी वैरायटी. सर मैं आपके लिए कॉफी मंगाऊं? हाँ, चाय मंगा लो. ठंडा कॉफी मंगा लो. अभी मंगवाते हैं, आप देखें इतने में सर इनको. अच्छा एक मिनट, आप से ना फाइनल बात करते हैं. आप मुझे एक ना एक बजट बताएं कि आपको किस बजट में चाहिए. 15,000 रुपए. मैं आपके लिए एक बेहतरीन पैकेज बनाता हूँ. जी बताएं. बेहतरीन पैकेज. आप नजर आओगे शादी में अलग जी, कि आपको लोग देखेंगे बोलेंगे जी दूल्हा खड़ा है. सही है, बेहतरीन नजर आएंगे.
मेरे पास ना आटे की बोरी की टाटे मैं क्यों आटे की बोरी पे टाट पहनूंगा? मुझे आपके ऊपर अच्छी लगेगी। मैं आपको पैकेज आप पहन के देखिएगा। 15,000 रुपए तो स्टिचिंग के चले जाते हैं, ये 15,000 रुपए आप बजट लेकर आपको उस हिसाब से बताया ना। एक सेकंड आप देखें तो सही, आप देखें अगर आपके रेंज बता दो यार। बिल्कुल सर, ये देखें, बंदे में दम है। अरे इतना दम है, नजर तो दम ही दम है, दम करता है सब पे इतना। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें, आपके लिए मैंने कॉफी भी बोल दी है। आप उनको कॉफी पिला रहे हैं, ऊपर से लेकर आ रहे हैं, सही है, और आप हमारे को डील नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं आपको भाई? आप नाराज ना हो, आप ये बताओ फिर आप मतलब देखें, आप नाराज हो, इतनी बातें हो गई, आप मेरी बात सुनो। देखें आपने जो बजट बताया ना, आप उस बजट के मुताबिक देखें। मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक पैकेज दे देता हूँ आटे की टार्ट का वो भी ऐसी मजबूत टार्ट है, आप मर जाओगे, वो नहीं गलेगा। नहीं नहीं, वो आप पहनिएगा, सही है। आप हमारे को बताएं क्या हिसाब से बताएं, किस हिसाब से बताएं कि जो मतलब हमारी रेंज है, जो यार हम आपको रेंज बता, बात नहीं कर पा रहे, ये बात ही नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं हमारी रेंज के मुताबिक, मतलब परचून की दुकान पर खड़े हुए ही हैं। बात सुनो, मुझे है ना आपकी औकात ही नहीं लग रही है खरीदने वाली ना, जो है ना, नहीं आपकी औकात नहीं लग रही है। क्या कर रहे हैं आप? बस कर दे, रिवील कर दे, हमारे साथ इतनी दफा होता है, रिवील कर देते हैं। मैं आखिर में नाराज यार को बुलाओ, बुला रहा हूँ, एक सेकंड तो रुको, क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो यार? नाराज नहीं हुए, ये तुम कर क्या रहे हो आधे घंटे से? मुझसे प्रैक्टिस करने आए हो, बीवी से बाद में कैसे लड़ूंगा? हां मुझसे प्रैक्टिस करने आए हो क्या? बात तो, ये कौन है? ये मेरा भाई है, कजन है। बात कर रहे हो, ये कैसे भाई है? ऐसे आदमी को लेके घूम रहे हो यार? मैनेजर को भी बुला रहे हैं, छोड़ो, ये आपको गाइड करेंगे। जी सर आप आए हुए, ये प्रोग्राम चल रहा है, नाराज ना हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कटाकट का प्रोग्राम हो रहा है, ये मेरे साथ मिले हुए कटाकट का प्रोग्राम है, जैन भाई स्टूडियो में बैठे हुए आप लोगों को देखिए। फाइनली ये प्रैंक खत्म हो चुका है, आई एम श्योर आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया होगा, मुझसे आप दोनों एंजॉय कर रहे थे, ये क्या चक्कर था? मुझसे एंजॉय नहीं हो रहा था, बॉन्डिंग अच्छी थी ना? हां बॉन्डिंग अच्छी है, एक बॉन्ड अच्छा हो तो फिर मजा आता है, बॉन्ड अच्छा हो तो समट बॉन्ड हो जाता है, बंदा चिपक जाता है। चलें, थैंक यू सो मच आपका, अक्सा आप आई, आपका बहुत शुक्रिया, महानुरा आप आई। जाने से पहले आपका कैमरा वो है, कैसा लगा शो, मजा आया नहीं आया, जहर लगा, जो भी है अपना कॉमेंट दे दो यहाँ पे, सच बोलना नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप बड़े लगते थे लेकिन छोटे लगे, अभी तक वहीं अटकी हुई हूँ, ऐसा क्यों है? ये तो नहीं करी शिट, कैमरा प्लीज इनको रियल दिखाया करो, थोड़े बड़े लग रहे थे, या हेयर कट वही वाला ले लें आप, कौन सा वाला? वो वाला, हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा, मैं थक गया हूं, मैं देखूंगी शॉर्ट दुबई में, दुबई में, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। सेम ईयर अक्सा, सेम ईयर, आप क्या कहोगी मानूर? मैं यही कहूंगी कि शो बहुत अच्छा है, एंजॉय करती है पब्लिक, और रेटिंग्स बढ़ाएं, और हमारा एपिसोड देख के तो आप लोगों को और रेटिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत मजा आया है। और दूसरी बात, होस्ट बहुत अच्छे हैं, मैं फिर से यही बोलूंगी, पहले भी मैंने ये बोला था, और मैं सेकंड टाइम आई हूँ, मैंने अब भी बहुत एंजॉय किया, तब भी बहुत एंजॉय किया था, और यही बोलूंगी कि आप लोग एंजॉय करें, देखें, रेटिंग्स बढ़ाएं, और शो बहुत अच्छा है। बस आप अपना आखिरी सेमेस्टर कंप्लीट करें, हम फिर आपको दोबारा बुलाएंगे। तो आज की महफिल, आज के शो, आज की बैठक यहीं पे खत्म होती है, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रहेगी, तुम लगातार रहेगी। अगले हफ्ते रात 10 बजे कटाकट शो में आप लोगों का फीडबैक मिल सकेगा थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब, थ्रू ट्विटर, थ्रू इंस्टाग्राम, हर जगह पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ZAAINLIVE इस हैंडल पर आप लोग फॉलो करें, DM करें, जिसका आपको कटाकट बनाना है अगले हफ्ते, उसकी डिटेल्स प्लीज मुझे लिख के भेज दें, और अगर लिख नहीं सकते तो आप वॉइस नोट पे भेज दें, ताकि मेरे लिए आसानी हो, और अगले हफ्ते आपके किसी रिश्तेदार का कटाकट बन सके। आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक यहीं पे खत्म होती है, कंप्लीट होती है। अपना, अपने ख्वाबों का, अपने वालदैन का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो वो हैं, वो हैं तो आप। ज़ैन इज़ फाइनली साइनिंग फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोल नेटवर्क, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, एंड फाइनली फीमान अल्लाह। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट, आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी।
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।